शनिवार की दोपहर को मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर पर मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के द्वारा 1008 राशन किट जरूरतमंदों को वितरित किया गया। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर संपूर्ण जग में चल रही है, जिसके चलते सरकार के द्वारा जगह जगह लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जिसके चलते मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले लोगों के सामने भरण पोषण करने का संकट गहरा रहा है, जिसकी सहायता के लिए कई संस्थाएं जगह जगह कार्य कर रही हैं। इसी के चलते वृंदावन में भी जरूरतमंदों को समाज सेवकों के द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं मौके पर मौजूद मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि वृंदावन के सुप्रसिद्ध समाज सेवी नारायण दास और कई समाज सेवकों के द्वारा कोरोना कर्फ्यू के दौरान मेहनत मजदूरी कर अपने घर का भरण पोषण करने वाले लोगों को इस समय घर पर बैठे हैं, जिनके कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इससे ही लोगों के लिए 1008 राशन किट वितरित की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि यह सिलसिला प्रतिदिन चलता रहेगा। सर बताया जो खाद्य सामग्री बांटी गई किनके माध्यम से और कितने लोगों का जिला? देखिए 1008 राशन किट्स जो हैं उनका वितरण यहाँ पर TFC वृंदावन में जो ज़िले के जो प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं नारायण दास अग्रवाल जी और अन्य सभी हमारे जो सम्मानित यहाँ के उद्यमी हैं और समाज सेवी हैं उनके माध्यम से यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति नीडी है, जिसको आवश्यकता है, उन सभी लोगों को वितरित किया जा रहा है। और इस किट में 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, इसके अतिरिक्त चीनी, तेल, सभी मसाले इत्यादि जो हैं वो इस किट में हैं। तो एक तरीके से संपूर्ण किट है और एक ड्राई राशन की ये जो किट है ये प्रत्येक दिन 10 से 12 यहाँ पर TFC में वृंदावन में इसका वितरण किया जाएगा। और जो भी आवश्यकता वाले व्यक्ति हैं, जो भी नीडी लोग हैं, जो भी गरीब हैं, उन सभी लोगों को ये वितरण प्रतिदिन करते रहेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।